कितना ज्यादा धूल निकलती है, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में इंजन ऑयल का फिल्टर नहीं चेंज करते, लेकिन नॉर्मल आसानी से इस तरह से आप क्लीन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटेड। यह है मेरे पास होंडा कंपनी का SP 125 न्यू मॉडल BS6 F5 वाली वेरिएंट बाइक है, और यहाँ पर देखिए बाइक का हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं। बाइक अभी 18,407 किलोमीटर बाइक चला हुआ, और यहाँ पर देखिए एक सर्विस लाइट बिलिंग कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाइक मेरे पास सर्विस होने के लिए आया है, बाइक को हमने तो प्रॉपर यहाँ पर देख रहे हैं वॉश कर लिया। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो बाइक का हमने चेन कवर को ओपन करके वॉश किया, आप यहाँ पर देख रहे हैं चेन कवर को हम लोग इसलिए ओपन करके वॉश करते हैं क्योंकि चेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा रहता है, डस्ट जमा रहता है। चेन कवर को ओपन करके वॉश करने धूल मिट्टी जो भी यहाँ पर डस्ट रहता है वो भी क्लीन हो जाता है। उसके बाद यहाँ का जो भी पार्ट है जो कचरा जमा रहता है वो भी प्रॉपर अच्छा से क्लीन हो जाता है। इसलिए जब भी मेरे पास बाइक आता है सर्विस के लिए तो हमने क्या करते हैं चेन कवर को ओपन करके फ्रंट स्पॉकेट कवर को ओपन करके ही बाइक को प्रॉपर अच्छा वॉश करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉश होकर के बाइक आ गया। अब इस बाइक को हम प्रॉपर अच्छा सर्विस करेंगे क्योंकि इस बाइक को ड्राइव करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहते बाइक का हैंडल का भी काम होगा क्योंकि हैंडल यहाँ पर देखिए काफ़ी अधिक जाम है और यह बीच में अटक रहा है, देखिए किस तरह से बीच में हैंडल अटक रहा है। तो चलिए फटाफट से बाइक का फ्रंट व्हील को ओपन करते हैं, शॉकर को ओपन करते हैं, उसके बाद बाइक का हैंडल को ओपन करेंगे और चेकअप करेंगे बाइक का हैंडल का बोल्ट रेसर खराब हो गया है या नॉर्मल ग्रीसिंग करने से काम चल जाएगा। व्हील को प्रॉपर अच्छा से ग्रीसिंग करेंगे क्योंकि व्हील का भी बायरिंग प्रॉपर सही है, बायरिंग खराब नहीं है। उसके बाद रियर वाले व्हील का यहाँ पर काम होगा, देखिए इस तरह से बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ी करके अपने घर पर भी इस तरह से चेकअप कर सकते हैं, आगे पीछे कर आसानी से पता कर सकते हैं कि व्हील का बायरिंग खराब नहीं है। अगर इस तरह से आगे पीछे करने से अगर चक्का में साइड पल है यानी व्हील में साइड पल है तो आप समझ जाइए आपका बाइक का बायरिंग खराब हो गया है, व्हील का बायरिंग खराब हो गया, बायरिंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ब्रेक शू वगैरह को प्रॉपर अच्छा से क्लीन करके बाइक में इंजन ऑयल नया पड़ेगा, इंजन ऑयल का फिल्टर यहाँ पे लगा उसको नया डालेंगे, बाइक में एयर फिल्टर यहाँ पे लगा एयर फिल्टर नया डालेंगे, या क्लीन करने लगा तो एयर फिल्टर को हम नॉर्मल क्लीन कर देंगे। तो चलिए फटाफट से बाइक का सर्विस का प्रोसेस चालू करते हैं। सिलेंडर होल्डर जो यहाँ पे इसको ओपन करके इसमें थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डालेंगे ताकि मस्त मोला मक्खन हो जाए, प्रॉपर स्मूथ हो जाए। इस तरह से बाइक को हम नॉर्मल सर्विस करेंगे तो बाइक मस्त मोला मक्खन हो जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पर खजूली को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए बाइक का फ्रंट असेंबली को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे देखिए बाइक का हैंडल को भी हमने ओपन कर लिया, और हैंडल में देखिए इसका बॉल जो है हैंडल में लगा हुआ गोली बिल्कुल घिस चुका है, रस्ट लग गया, जंग लग गया, बिल्कुल ख़राब हो गया है। देखिए यहाँ पे एक एक गोली को देखिए किस तरह से जंग लग के ख़राब हो गया है। बाइक को हैंडल को ग्रीसिंग टाइम टाइम पर नहीं होता है इसलिए यहाँ पर जंग लगे रस्ट, क्योंकि हैंडल के अंदर पानी जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं बाइक को हम वॉश करवाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर आ गया है, तो इसका प्रॉब्लम से हैंडल में रस्ट लगे। इसलिए आपको हम सभी वीडियो में बतलाते हैं कि जब भी आप बाइक को सर्विस करवाते हैं या ग्रीसिंग करवाते हैं, हैंडल को स्पेशल ग्रीसिंग करवाते हैं, उस टाइम कोई अच्छा कंपनी का ग्रीस यूज कीजिए ताकि वाटर भी जाने से पानी भी जाने से जल्दी बोल्डेसर खराब ना हो, रस्ट ना लगे। यहाँ पर देखिए फ्रंट वाले व्हील में कितना ज़्यादा कार्बन जमा, डस्ट जमा, इन सभी पार्ट को हम प्रॉपर पेट्रोल से अच्छा से वॉश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाइक का ब्रेक शू वाले हब जो है हब प्लेट है इसके ऊपर देखिए कितना ज़्यादा कार्बन जमा हुआ है। बाइक का भी ब्रेक शू प्रॉपर से, अगर ये ब्रेक शू के ऊपर से जो देख रहे हैं मेटल लगा हुआ है यही वो लेदर जो घिस जाता है तो ब्रेक शू खराब हो जाता है, लेकिन ये लेदर प्रॉपर सही है तो ये ब्रेक शू चलेगा। ऐसा नहीं कि ब्रेक शू चेंज कर देना है, 20,000-25,000 किलोमीटर तक नॉर्मल ब्रेक शू चल जाता है। उसके बाद इन सभी पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन करेंगे क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो ब्रेक शू घिसता है वो कार्बन यहाँ पे कितना अधिक मात्रा में जम गया है होने के लिए, तो उस टाइम बाइक को प्रॉपर आप अच्छा से ड्राइव करके चेकअप कीजिए। उसके बाद कस्टमर को बताइए कि बाइक में आपको इतना खर्च है चेंज होने वाला उसको चेंज करिए। अगर 4,000 खर्च है बाइक में तो आप एक बार कस्टमर को बताइए, नहीं कि सभी पार्ट को चेंज कर दीजिए। अगर आपको कस्टमर बोले कि पार्ट चेंज कीजिए तो ठीक है, नहीं बोले चेंज करने के लिए तो उन पार्ट को चेंज नहीं करके चल सके तो उसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करके फिर वही पार्ट फिट कर देता है, कस्टमर भी संतुष्ट है, नहीं कि सभी पार्ट को चेंज ही कर देना है सब। उसके बाद देखिए बाइक में हम नया शॉकर ऑयल भी डालेंगे क्योंकि बाइक अभी तक 18,000 किलोमीटर चल चुका है, अभी तक बाइक में एक बार भी शॉकर ऑयल चेंज नहीं हुआ है क्योंकि शॉकर ऑयल का आप देख रहे हैं बिल्कुल कंडीशन खराब है, बदबू भी काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। इस बाइक में नया हम शॉकर ऑयल डालेंगे और एक शॉकर में हम 155 या 60 ml ऑयल डालेंगे। अगर इससे ज़्यादा शॉकर ऑयल डाल देंगे तो शॉकर से खटखट का साउंड आने लगा, शॉकर प्रॉपर स्मूथ नहीं रहेगा, शॉकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। पुराना वाले बोल्डेसर को हमने बाहर निकाल लिए हैं, अभी इस बाइक में हम सेटिंग करेंगे। ये हीरो कंपनी का स्टेयरिंग कॉइन किट है, बोल्डेसर है जो 410 रुपया बोल्डेसर का प्राइस है। ब्रेक ड्रम प्लेट को भी हमने प्रॉपर अच्छा से पेट्रोल से क्लीन कर लिया, बिल्कुल चकाचक हो गया, नया जैसा हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रेक शू को हम पेट्रोल से क्लीन नहीं किया क्योंकि ब्रेक शू के ऊपर ज़्यादा डस्ट नहीं था, कचरा नहीं था। जब भी आप ब्रेक शू को बाहर निकालें हाफ प्लेट से उस टाइम यहाँ पे एक मार्का डाल करके निकालें, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए मार्का डाल रखें ताकि ब्रेक शू अगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो फिर ब्रेक लगने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे हमने एक मार्का डाल रखे हैं। अगर नया ब्रेक शू डालते हैं तो उसमें आप इधर से लगाए चाहे इधर से लगाए कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करें देखिए
फ्रंट व्हील को हमने किस तरह से प्रॉपर अच्छा से क्लीन किया है पेट्रोल से, इसके अंदर अब थोड़ा भी कचरा नहीं है। क्रिप्शन ग्रीस यूज करते हैं, जेल ग्रीस है और 40,000 किलोमीटर तक कंपनी बोलता है ग्रीस खराब नहीं होगा, इसलिए हम यही ग्रीस यूज करते हैं। और बैरिंग में हम इस तरह से नॉर्मल ग्रीस डालते हैं, देखिए पहले बैरिंग को प्रॉपर अच्छा से क्लीन करते हैं, उसके बाद ग्रीस डालते हैं। बैरिंग को कभी भी व्हील के बाहर नहीं निकालना चाहिए ग्रीसिंग टाइम, क्योंकि बार बार निकालने से क्या होगा, क्या कि बैरिंग तो हब आपका खराब पड़ जाएगा, फिर उसके बाद आपको हब में स्लिप करवाना पड़ेगा। बैरिंग खराब है उसी टाइम बैरिंग को बाहर निकाल लेने था, बाहर नहीं निकालिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरह का एक पर्दा लगा, इस पर्दा को यहाँ पर हम सेटिंग कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो भी इस तरह ग्रीस लगा है इसको प्रॉपर हम अच्छा से क्लीन कर लिए। अब इसको हम सर्विस कायद की मदद से प्रॉपर अच्छा से इसको क्लीन करेंगे रैपर के मदद से, इसको रैपर भी बोलते हैं। इसको लेकर हम यहाँ पे इसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर देंगे ताकि इसके ऊपर जो भी कचरा होगा बाहर निकल जाएगा, नहीं तो फिर से ब्रेक वो काम नहीं करेगा अगर इसको हम क्लीन नहीं करेंगे तो। ब्रेक्स को हम लोग जो क्लीन करते हैं वो फिट करने के बाद ही क्लीन करते हैं। ब्रेक्स को हमारा प्रॉपर अच्छा से क्लीन हो गया, ब्रेक्स को हमारा प्रॉपर अच्छा से क्लीन हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा कैम में हम ग्रीस भी डाल दें ताकि प्रॉपर ल्यूब रहे। आयल डाल रहे क्योंकि शॉकर लीक वगैरह कहीं से भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शॉकर में आयल डालना है क्योंकि बाइक सर्विस में आया है और बाइक 18,000 किलोमीटर चल चुका है। कंपनी बोलता है 10 से 12,000 किलोमीटर पर शॉकर आयल चेंज कर देना चाहिए, इससे शॉकर प्रॉपर स्मूथ रहेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, सस्पेंशन वर्क करेगा। अगर शॉकर आयल को टाइम पर नहीं चेंज किया शॉकर काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, आपको जर्क महसूस होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। और होंडा साइन एसपी न्यू मॉडल BS6 बाइक में क्या चाहे SP125 आपके पास BS4 है उस बाइक में हम लोग जो शॉकर आयल डालते हैं वो 160 ml डालते हैं, 150 ml भी डाल सकते हैं, 160 ml भी डाल सकते हैं। अगर आपके सड़क पर रास्ते पर ज्यादा ब्रेकर है, ज्यादा गड्ढा है तो उस टाइम आपको 160 ml डालना है। अगर इससे कम डाल देंगे तो ब्रेकर या गड्ढा में जाने के बाद शॉकर से खट खट का काफी ज्यादा साउंड आएगा, अगर इससे कम डाल देंगे तो फिर शॉकर प्रॉपर हमारा वर्क नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मैं अभी 160 ml एक शॉकर में आयल डालूंगा, सारा काम करता हूँ। 160 ml शॉकर आयल ले लिया, अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। शॉकर आयल डाल दिए, अब उसके बाद शॉकर को 4-5 बार ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लेते ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद चलिए शॉकर स्प्रिंग को हम यहाँ पर डाल दें, उसके बाद इस तरह का एक बूस्ट मिल रहा है, बूस्ट को डाल दें, उसके बाद ऊपर इस नट को टाइट कर देना है। इसी तरह से आपको दोनों शॉकर में प्रॉपर शॉकर आयल को सेटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए हैंडल में हमने बोल्डेसर प्रॉपर सेटिंग कर लिया, हीरो का जेन्युइन बोल्डेसर डाला पैशन प्रो वाले बाइक का। अब देखिए हैंडल बाइक का मस्त मौला मक्खन हो गया, यहाँ पे देखिए हैंडल में इस तरह करें ढाक भी नहीं, हैंडल भी मस्त मौला मक्खन हो गया। अब चलिए फटाफट सभी पार्ट को हम सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक का काम जो था मेरा बाइक का फ्रंट से बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत ग्रीस मोबिल लगा हुआ है क्योंकि बाइक को फुल एंड फाइनल काम होने के बाद इस पर हम प्रॉपर अच्छा से बाइक को पॉलिश भी करेंगे, लेकिन फ्रंट का जो भी काम था मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका। अब चलिए बाइक से हम फटाफट से यहाँ से इंजन ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि 12 mm का यहाँ पे एक बोल्ट लगा है, 12 नंबर का टीरिन से आपको बोल्ट प्रॉपर ओपन हो जाएगा। चाहे तो इंजन को अंदर से फ्लश भी कर सकते हैं, अगर नहीं फ्लश करना चाहते कोई भी दिक्कत नहीं है, 20 से 25,000 किलोमीटर आप एक बार फ्लश कर सकते हैं। बाइक का इंजन ऑयल देखिए बाहर निकल रहा है, तब तक इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है तब तक इंजन ऑयल का फिल्टर हम उस तरफ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लगा इंजन ऑयल का फिल्टर जो कि नंबर का टीरिंग से आपको इंजन फिल्टर प्रॉपर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इंजन ऑयल का फिल्टर को हम ओपन कर लिए, अभी बाहर निकाल रहे हैं इंजन ऑयल फिल्टर को हम बाहर निकाल लिए। और इंजन ऑयल का फिल्टर का आप देख रहे हैं कंडीशन बिल्कुल बुरी कंडीशन हुआ, क्योंकि इसके अंदर देखिए किस तरह से इंजन में जो भी थोड़ा बहुत जो कचरा रहता है वो इंजन ऑयल के फिल्टर में आकर के अटक जाता है। और आप लोग क्या करते हैं सर्विस टाइम या सर्विस नहीं भी करवाते बाइक का सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में इंजन ऑयल का फिल्टर नहीं चेंज करते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी आप बाइक का इंजन ऑयल चेंज करें उस टाइम इंजन ऑयल का फिल्टर आपको जरूर चेंज करना चाहिए, चाहे आप बाइक का सर्विस करवाएं चाहे सर्विस ना करवाएं, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैसे सर्विस में जाता है तो बाइक का जब भी इंजन ऑयल चेंज करता है उस टाइम इंजन ऑयल का फिल्टर भी चेंज कर देता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बाइक का हम एयर फिल्टर ओपन करेंगे, तब तक बाइक का इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है तब तक हम बाइक का एयर फिल्टर ओपन करेंगे। ये बाइक का एयर फिल्टर को बॉक्स को हमने ओपन कर लिए है और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर में जमा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें देखिए एयर फिल्टर में कितना ज़्यादा डस्ट जमा, धूल मिट्टी जमा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा डस्ट भरा है तो इसको आप रिप्लेस करके नया डाल दीजिए, अगर थोड़ा बहुत धूल मिट्टी है तो इसको नॉर्मल आप इस तरह से आसानी से क्लीन कर सकते हैं, नॉर्मल आसानी से इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेश टावल के मशीन सभी पार्ट को प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लेंगे, एयर फिल्टर को हम फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब इस बाइक में हम इंजन ऑयल का फिल्टर फिट करेंगे, उसके बाद इंजन ऑयल का बोल्ट हमने टाइट कर लिए है, इंजन ऑयल का देखिए फिल्टर हम फिट कर लिए। और हुंडा का ये जेन्युइन इंजन ऑयल का फिल्टर है, अगर प्राइस का बात कर लें इसका 83 रुपया यहाँ पर प्राइस लिखा हो जो कि अभी घिस गया है यहाँ से,
उसके बाद अगर पार्ट नंबर का बात करें तो ऊपर में पार्ट नंबर आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो इंजन ऑयल फिल्टर को नया वाला इंजन ऑयल में इसको डुबो करके फिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसे सूखा ड्राई भी फिट कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ड्राइव फिट कर रहे हैं तो बाइक को नया इंजन ऑयल डालने के बाद बाइक को स्टार्ट करके 1 से 2 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है, ताकि इंजन ऑयल का जो फिल्टर है प्रॉपर अच्छा से ल्यूब हो जाए। वैसे मैं अभी तक ड्राई ही फिट किया हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। काफ़ी मैकेनिक बोलते हैं कि उसको गीला करके फिट करना चाहिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। गीला फिट कीजिए, ड्राई फिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन ऑयल का फिल्टर हमने सेटिंग कर लिया, बाइक में हम इंजन ऑयल डालेंगे और वो भी वेल्वो लाइन का 40 प्रीमियम एक्स्ट्रा पावर ये इंजन ऑयल है और 1 लीटर इंजन ऑयल डाले। कंपनी बोलता है इसमें 900 ml इंजन ऑयल डालने के लिए, बहुत मैकेनिक बोलते हैं 800 ml डालने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1 लीटर इंजन ऑयल का यूज करूँगा। 1 लीटर डालने से होगा कि 100 ml इंजन ऑयल जो है इंजन ऑयल का फिल्टर सोख लेगा क्योंकि बिल्कुल ड्राई है, उसके बाद बाकी जो 900 ml इंजन ऑयल बचेगा वो चैम्बर में रह जाएगा, इससे इंजन जल्दी ओवर हीट भी नहीं होगा। इसलिए मैं 1 लीटर 40 प्रीमियम सिंथेटिक इंजन ऑयल डालते हैं। अगर आप चाहे तो प्लेन भी डाल सकते हैं, प्लेन का प्राइस कम है और पावर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। देखिए बाइक में हम यहाँ पे बिल्कुल इंजन ऑयल डाल रहे हैं। अब उसके बाद इस तरह से आप किक को दबा करके चेकअप कर सकते हैं, अगर किक बिल्कुल ढीला है या लूज है उस टाइम आपको टैपर को सेटिंग करना है, या फिर आपको इंजन से कटकटाहट या झरझराहट का साउंड आ रहा है उस टाइम आपको एक बार टैपर चेकअप कर लेना है। अगर टैपर सेटिंग का आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम इसमें ओपन करेंगे बाइक का मैग्नेट कवर को। मैग्नेट कवर को ओपन करके इसको क्लीन करना पड़ता है प्रॉपर अच्छा से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक होल दिया हुआ है, इधर से एयर जाता है, इधर से बाहर निकलता है। कुछ एयर जो है वो मैग्नेट जो है अपने तरफ खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पंखी लगा हुआ है और मैग्नेट ठंडा रहेगा, इसके लिए यहाँ पे एक पंखी लगा ताकि मैग्नेट ठंडा रहेगा, और एसी जी स्टार्टर कॉइल लगा है इसके अंदर, जिससे अब सेल्फ भी स्टार्ट होता है और करंट भी जनरेट होता है। दोनों काम एक ही कॉइल से होता है, लेकिन उसमें सिस्टम अलग अलग दिया है। चलिए इसको प्रॉपर ओपन करके आप लोग को दिखला रहे हैं, और मैग्नेट को भी प्रॉपर अच्छा से क्लीन करना है ताकि उसके अंदर जो भी धूल मिट्टी डस्ट होगा बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल एक देसी भाषा ने बोले तो गांव देहात के सड़क पे धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा होता है शहर की अपेक्षा, ये चीज़ आप लोग भी पता है। तो इसलिए अभी हम इस मैग्नेट कवर को ओपन करके इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी डस्ट होगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा धूल मिट्टी कचरा जमा हुआ है, बताया इसके अंदर एक पंखी लगा है और यही वो पंखी लगा है, जैसे बाइक को स्टार्ट करते हैं ये मूव करता है तो एयर अपने तरफ खींचता है। इसको हम क्या करेंगे, अगर आपके वर्कशॉप पे एयर गन है तो आप एयर गन से इसको प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर सकते हैं, इसको ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर एयर गन नहीं है तो इसको ओपन करके आपको इसको क्लीन करना है, लेकिन एयर गन है तो आप नॉर्मल एयर गन से इसको क्लीन कर सकते हैं। एयर गन है तो एयर गन से नहीं प्रॉपर अच्छा से, कितना ज़्यादा धूल निकल रहा है तभी हॉल में आपको प्रॉपर अच्छा से क्लीन करना है। उसके बाद फ्रेश टावल से हम इसको क्लीन कर लेंगे ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी ना रहे। उसके बाद इसको फ्रेश टावल की मदद से इसको क्लीन कर लेंगे, और चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा नया वाला इंजन ऑयल का आप लेप कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर बाइक वॉशिंग टाइम यहाँ से थोड़ा बहुत पानी जाता है इसके अंदर, पानी जाने से क्या होगा इसके ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा करके रस्ट लग रहा है, जंग लग रहा है। ये सब चीज़ आपको सर्विस टाइम प्रॉपर अच्छा से चेकअप करना है। फिलहाल अभी इस बाइक में यहाँ पर देखिए रस्ट ना ही रस्ट लगाए ना ही जंग लगाए, कभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है। काफ़ी अगर इसी को अधिक दिन छोड़ देते, इसको क्लीन नहीं करते, इसके ऊपर रस्ट लग सकता था, जंग लग सकता था, क्योंकि अभी देख रहे स्टार्टिंग पिलर जंग अभी लगना स्टार्ट ही हुआ है। अगर इसी पे हम लोग ध्यान नहीं देते इसके ऊपर जंग लग जाता। अब इसके ऊपर हम देखिए नया वाला थोड़ा इंजन ले करके इसके ऊपर थोड़ा हम लेप कर देंगे ताकि इसके ऊपर जल्दी रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। आप चाहे तो इस पर WD-40 का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन ऑयल का लेप करने के बाद इसको प्रॉपर अच्छा से फ्रेश टावल से इसको क्लीन करता है ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना जमे। फटाफट से हम इस कैप को यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। चलिए फटाफट से रियल व्हील को ओपन कर लेते हैं, इसको किस तरह से ग्रीसिंग करना है, सस्पेंशन को किस तरह से ग्रीसिंग करना है। चेन को तो हमने वॉशिंग टाइम ही प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लेते, इस बैक में चेन को क्लीन करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए रियर वाले व्हील को हमने ओपन कर लिया है, और रियर वाले व्हील में भी सेम कंडीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा भरा, जैसे लग रहा है कि अभी तक ग्रीसिंग नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीस इसका बिल्कुल ख़राब हो गया जल करके। उसी की जगह हम बात कर ले इस तरफ से, देखिए इसके अंदर जो भी ग्रीस है बैरिंग के अंदर वो ग्रीस बाहर निकल गया पिघल करके जो बैरिंग से बाहर ग्रीस निकल जाता है। इसका मेन प्रॉब्लम है कि बाइक में आप लोग लोकल ग्रीस का यूज़ कर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम से बाइक में जो व्हील में जो बैरिंग लगा है इससे ग्रीस बाहर निकल रहा है, बैरिंग से जो ग्रीस जो है पिघल करके बाहर निकल कर टोटल ग्रीस यहाँ पर ब्रेक शू पे आकर के जम चुका है। इसका प्रॉब्लम से बाइक में ब्रेक भी नहीं लगाते। इन सभी पार्ट को जिस तरह से हम फ्रंट में क्लीन किया उसी तरह से रियर में भी क्लीन करके इसके अंदर नया ग्रीस डालेंगे। उसके बाद ये हो गया चेन करेंगे,
बहुत मैकेनिक क्या करते हैं, सर्विस टाइम चेंज करें को ओपन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ व्हील को ओपन करके व्हील में ग्रीस डाल देते हैं, ब्रेक शू को क्लीन करके फिट करते हैं, ऐसा नहीं। चेन करेंट को भी ओपन करके इसका वायरिंग को चेकअप करना है और इस वायरिंग को आपको ग्रीसिंग करना है। उसके बाद इस बाइक में हम चेंज करेंगे कपलिंग रबर, क्योंकि कपलिंग रबर देख रहे हैं बिल्कुल टूट चुका है, आधे पर से टूट चुका है। इसके प्रॉब्लम क्या होगी, बाइक में झटका काफ़ी ज़्यादा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, बाइक का रियर वाले व्हील को तो हमने प्रॉपर अच्छा से ग्रीसिंग कर लिए हैं, जिस तरह से फ्रंट में ग्रीसिंग किया उसी तरह से रियर में भी आपको ग्रीसिंग करना है। उसके बाद जब भी आप बाइक का सर्विस करवाते, फुल सर्विस करवाते या हाफ सर्विस करवाते, प्रत्येक 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पर आपको बाइक को एक बार सस्पेंशन को आपको जरूर ग्रीसिंग करना है। इस बोल्ट को आपको ओपन करके सस्पेंशन को, इस एक्सल रॉड को आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आप कोई भी दूसरा एक्सल लेकर के इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, उस तरफ से आपको पुराना एक्सल आपको बाहर निकल जाएगा। देखिए एक्सल बिल्कुल बाहर निकल गया और ये देखिए यहाँ बिल्कुल ड्राई है, किस तरह से सूखा पड़ा है। अगर इसको हम ग्रीसिंग नहीं करेंगे प्रत्येक 10 से 15 हज़ार किलोमीटर पे, तो बाइक का रियर शॉकर जो है ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर सस्पेंशन वर्क नहीं करेगा तो बाइक का रियर शॉकर आपको ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको ग्रीस डाल देंगे थोड़ा सा, ये सब आपको कोई भी नहीं बतलाएगा। तो इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे YouTube चैनल बाइक पॉइंट खजूली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी वीडियो देखने के बाद कुछ हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इस हल के अंदर हमने ग्रीस डाल दी, उसके बाद इस एक्सल पर आपको थोड़ा थोड़ा करके ग्रीस का लेप करना है इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल इस तरह से डाल लेना है, ज़्यादा आपको इंजन ऑयल नहीं डालना है। इस तरह से इंजन ऑयल हम डाल दिए, अब इस एक्सल को आपको प्रॉपर इसमें आपको सेटिंग कर देना है। हाँ, हम फटाफट से व्हील को सेटिंग कर लेते हैं। अब उसके बाद चैन स्पोकेट सेट जो है इसमें यहाँ इस बूश को सेटिंग कर लेना, उसके बाद इसको इस तरह सेटिंग कर लेना आस्ते से। उसके बाद चैन को आप पहले आपको सेटिंग, क्योंकि इस चैन में आपको लॉक नहीं दिया जाता है, कर लिया चैन को भी प्रॉपर हमने एडजस्ट कर लिया। जब भी आप चैन को एडजस्ट करते हैं यहाँ पे आपको चेकअप करना है, देखिए थोड़ा आपको प्ले होना चाहिए यहाँ पे चैन को, तो जितना पॉइंट पे आप इस तरफ से एडजस्ट करते हैं चैन को, उतना ही पॉइंट पे आपको राइट साइड में भी एडजस्ट करना है। इस तरह चैन को एडजस्ट कीजिएगा, चैन सेट आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस डब्बी में हमने 90 नंबर का गियर ऑयल डाल रखे, जो कि चैन पे इस तरह से आपको डालना है। अगर गियर ऑयल नहीं है तो आप नया वाला इंजन ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रंट स्पॉकेट में आपको गियर ऑयल थोड़ा डाल देना है, ताकि प्रॉपर ये ल्यूब रहे। अगर चाहे तो आप चैन स्प्रे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हील को एक बार रन करके आपको फर्स्ट गियर डाल देना है, आप कोई भी गियर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सेकंड गियर डाले थे, उसके बाद फ्रंट स्पोकेट में आपको थोड़ा नया वाला ग्रीस डाल देना है। चैन के ऊपर बिल्कुल भी ग्रीस का यूज नहीं करना है, तो चैन सेट बहुत जल्द आपका ख़राब हो जाएगा। बाइक को हमने स्पार्क प्लग को ओपन करके बाइक को स्पार्क प्लग को प्रॉपर क्लीन कर दिए हैं। बाइक का स्पार्क प्लग प्रॉपर सही था, इसलिए क्लीन करके प्रॉपर प्लग को हमने सेटिंग कर दिए हैं। क्लच को हमने एडजस्ट कर दिया, प्रॉपर क्लच यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मल, अभी क्लच को यहाँ से प्रॉपर एडजस्ट कर दिए हैं। तो क्लच लीवर के पास यहाँ पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा आपको ग्रीस डाल देना है। उसी तरह से फ्रंट वाले ब्रेक में भी यहाँ पे थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल थोड़ा ग्रीस डालना है। उसके बाद इस एक्सीलेटर होल्डर को इसको ओपन करके इसमें आपको थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल का यूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले, उसके बाद हॉर्न को आपको प्रॉपर चेकअप करना है, लेफ्ट राइट साइड का इंडिकेटर चेकअप करना है, हाई बीम लो बीम आपको प्रॉपर चेकअप करना है। उसके बाद बाइक को इंजन को स्टार्ट करके 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको इंजन का साउंड चेकअप करना है, इंजन से कट कट पटपट का साउंड आ तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए इंजन से कोई भी कट कट पटपट झरझर का एक साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आप लोग एक चीज़ का आप लोगों को मन में डाउट आता हो कि बाइक कहाँ यहाँ पर जो लगा है फ्यूल पम्प, ठीक है। फ्यूल पम्प में वैसे नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, सर्विस में अगर आप इस फ्यूल पम्प को क्लीन करवाना चाहते हैं तो सर्विस टाइम आपको फ्यूल पम्प क्लीन करने का आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि ये फ्यूल पम्प के रिलेटिव आ जाता है, तो इसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा लग जाएगा अगर आप क्लीन करवाना चाहते हैं। फ्यूल पंप को आप नॉर्मल क्लीन करवा सकते हो, वैसे इस फ्यूल पंप में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बाइक मिसिंग कर रहा है, नहीं बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए हमने फ्यूल पंप को क्लीन नहीं किया है। क्योंकि क्लाइंट का कहना है कि फ्यूल पंप का फिल्टर जो है 15,000 किलोमीटर पर सर्विस सेंटर पर नया फिल्टर डाला हुआ है। बाइक का फ्रंट व्हील में एयर को हमने प्रॉपर चेकिंग कर लिया, 28 पॉइंट फ्रंट व्हील में आपको एयर डालना है, रियर व्हील में आपको 35 पॉइंट एयर डालना है। कंपनी बोलता है कि 32 पॉइंट रखने के लिए, लेकिन हम जो है रियर में 35 पॉइंट एयर डाल रहे हैं, फ्रंट में आपको 28 पॉइंट एयर डालते हैं। अब चलिए बाइक को प्रॉपर अच्छा से पॉलिश कर देते हैं, उसके बाद बाइक को हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे। अगर आपको सर्विस के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
उसके बाद यहाँ पे बात कर ले तो बाइक को यहाँ पे देखिए सर्विस लाइट को किस तरह से ऑफ किया जाता है, टैम को किस तरह सेटिंग किया जाता है, इन सब पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो देखकर प्रॉपर आसानी से अपने घर पर टैम सेटिंग कर सकते हैं, सर्विस लाइट ऑफ कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।